सोच समझ करके वो बोलता है जिसमें सोच और समझ होती है। जिसमें समझ होगी वो सोच के बोलेगा। राहुल गांधी जी को एक आदत पड़ गई है, गंदी आदत, बुरी आदत, जो नहीं पढ़नी चाहिए थी लेकिन पढ़ गई है। उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्होंने उनमें वो आदत डाल दी है। दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं है जो घर के बाहर जाकर अपने घर का फजीता करता हो। अकेले राहुल गांधी ऐसे। ये कर्मों के फल हैं, कांग्रेस पार्टी के पुराने पाप हैं जो कांग्रेस को भुगतने पड़ेंगे। शिवराज सिंह चौहान जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन मैं शिवराज जी से कहना चाहता हूं कि सोच समझ करके वो बोलता है जिसमें सोच और समझ होती है। जिसमें समझ होगी वो सोच के बोलेगा। जिसमें सोच होगी, जिसकी कोई सोच होगी, वो समझदारी की बात करेगा। अब जिसमें ना सोच है ना समझ, वो कैसे सोच समझ के बोलेगा। राहुल गांधी जी को एक आदत पड़ गई है, गंदी आदत, बुरी आदत, जो नहीं पढ़नी चाहिए थी लेकिन पढ़ गई है। उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्होंने उनमें वो आदत डाल दी है कि देश के बाहर जाके देश की तौहीन करो, देश की बुराई करो, देश को बेइज्जत करो। दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं है जो घर के बाहर जाकर अपने घर का फजीता करता हो। अकेले राहुल गांधी ऐसे। जब विदेश जाते हैं अपने देश की तौहीन करते, अपमान करते, माफी मांगनी चाहिए उन्हें पूरे देश से, क्षमा याचना करनी चाहिए भारत से। गुरु जी, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा है कि अगर मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनका जय जयकार की जाती है, राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो उनकी बदनामी की जाती है। ये कर्मों के फल है, कांग्रेस पार्टी के पुराने पाप है जो कांग्रेस को भुगतने पड़ेंगे। अब उन पापों के फलों के भुगतने का समय आ गया है। मेरा पक्का यकीन है कि राहुल गांधी जी कांग्रेसियों का इलाज कर देंगे, पूरी कांग्रेस का इलाज कर देंगे। मुझे गठबंधन की बात करते हैं, इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन दिख नहीं रहा। दो दिन समय कुल रह गया है पेपर नॉमिनेशन करने का, लेकिन अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए और अब भी कह रहे हैं कांग्रेस की उम्मीद है कि गठबंधन हो सकता है। कांग्रेस की हालत पे मुझे दया आती है। 125 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी की ये हालत हो गई है कि रीजनल पार्टियों के चौखट पे गठबंधन के लिए गिड़गिड़ाते हैं। अभी भी किसी कांग्रेस के नेता की यह हिम्मत नहीं है कि वो डंके की चोट पे ये बोल दे कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी ने अच्छा किया, लेकिन सवाल इस बात का है, समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि हरियाणा में कुछ सीटें मिलें। समाजवादी पार्टी को अगर सीट हरियाणा में दी जाती हैं, तब तो 2027 में कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में गठबंधन की उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को हरियाणा में कांग्रेस सीट नहीं देगी, तो फिर कांग्रेस की हालत दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में क्या होगी, ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अफसोस कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस आज किस हाल में खड़ी है। जैसे सांप के मुंह में छछूंदर है, ना गठबंधन अंदर को जाता है ना गठबंधन बाहर को जाता है। ये बेमेल निकाह था जो एक झटके में तीन तलाक बोलने से पहले ही खत्म हो गया।